हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं काला घोड़ा। अब ये काला घोड़ा कैसा है? काला है। तो जो ये काला शब्द है, ये इसकी विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? काला शब्द होगा विशेषण। और किसकी विशेषता को बता रहा है? ये बता रहा है घोड़े की। तो घोड़ा शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषता बताई जा रही है उसे कहते हैं विशेषण, और जिसके बारे में बताई जा रही है उसे कहते हैं विशेषण। इसके लिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे शिकारी के भय से शुतुरमुर्ग रेत में अपनी गर्दन छिपाता है। अब ये जो शुतुरमुर्ग है, यहाँ पे मूर्ख शब्द आया, शिकारी के भय से मूर्ख। तो ये जो शुतुरमुर्ग है कैसा है? ये मूर्ख। तो ये जो मूर्ख शब्द है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विशेषण। शुतुरमुर्ग कैसा है? मूर्ख है। और जो ये शुतुरमुर्ग शब्द है ये कहलाएगा विशेष। अर्थात जो इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है? ये मूर्ख है, और उसे हम कहेंगे विशेषण। और किसकी विशेषता है? ये शुतुरमुर्ग की है। तो संज्ञा शब्द यानी इसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य। तो इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 पर हमारा आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। तो जो ये गुण होते हैं, गुण कौन कौन से होते हैं? गुण भी होते हैं दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेंगे गुण, अच्छा, ईमानदार, और भला। ये सारे क्या है? गुण है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे दोष। दोष में क्या आ जाएगा? बुरा, बेईमान, इसके बाद आ जाते हैं हम रंग पे। रंग जैसे पहले उदाहरण में हमने देखा था घोड़ा कैसा था? काला। तो इसी तरह गोरा, काला, नीला, पीला, ये सब किस में आएंगे? हमारे ये भी गुणवाचक में आएंगे, काला, नीला, गोरा। इसके बाद आ जाती है हमारी दिशा। दिशा पूर्वी, उत्तरी, जो भी दिशा है। इसके बाद हमारा आ जाता है आकार। आकार कैसा भी हो सकता है? चाकोर हो सकता है, गोल हो सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारा अवस्था।
कैसी हो सकती है अवस्था? स्वस्थ, बीमार, ये हमारी आ जाती है अवस्था। इसके बाद आ जाता है हमारा स्थान। स्थान कोई भी हो सकता है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, तो ये सब हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, जो भी ये सब चीजें हैं, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आ जाता है बच्चों हमारा सेकंड परिमाणवाचक विशेषण। ये जो परिमाणवाचक विशेषण होता है, इसके भी दो भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। जो हमारा निश्चयवाचक विशेषण होता है, इसमें कोई भी चीज नाक तोल की होती है। ये जो परिमाणवाचक विशेषण होता है, ये भी नाक तोल के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे निश्चयवाचक विशेषण के बारे में। जो ये निश्चयवाचक विशेषण होता है, जैसे हमने उदाहरण कह दिया, दो दो किलो चीनी दे दो, या राम 6 लीटर दूध लेकर आया, तो जो भी चीज निश्चित होती है माप तोल में, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक। और जो चीज अनिश्चित होती है, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे हमने कह दिया कुछ, बहुत, थोड़ी, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। जैसे दो किलो शक्कर, इसमें हमने कह दिया कुछ शक्कर, तो इसमें हमारा क्लियर हो गया कि दो किलो शक्कर है। और इसमें हमने कह दिया कुछ शक्कर, तो इसमें हमारा ये क्लियर हो रहा है शक्कर तो है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितनी शक्कर है। लेते हैं राम 5 लीटर दूध लाया, तो ये जो राम है, ये 5 लीटर दूध लेकर आया है, तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि दूध कितना है, 5 लीटर है। और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, राम ने दही में कुछ शक्कर डाली, तो राम ने दही में कुछ शक्कर डाली है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितनी शक्कर डाली है, तो ये हमारा हो जाता है अनिश्चयवाचक विशेषण। जहां भी कुछ, थोड़ी, बहुत आदि शब्द आ जाते हैं, वो अनिश्चयवाचक में आते हैं। और जहाँ बात क्लियर हो जाती है, 5 लीटर है, 2 लीटर है, 2 किलो है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा निश्चयवाचक विशेषण आ जाता है। इसके बाद हमारा आता है संख्यावाचक। ये आ गया हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक से पता चलता है कि जो भी चीज, कोई भी काउंट करने वाली चीज होती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है, उसके भी दो भेद होते हैं, एक निश्चयवाचक और दूसरा अनिश्चयवाचक।
तो जो भी कोई चीज फिक्स हो जाती है, क्लियर हो जाती है, उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं, और जो चीज हमें क्लियर नहीं होती है तो हम उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे कक्षा, उदाहरण के लिए हम ले लेंगे, कक्षा में 20 बालक हैं, कक्षा में 20 बालक हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि कक्षा में 20 बालक हैं, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, ये हमारा आएगा निश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत। और अगर हम कह दें कक्षा में कुछ छात्र हैं, कक्षा में कुछ छात्र हैं, अब पहले सेंटेंस में हमें क्लियर हो रहा है कि कक्षा में 20 बालक हैं, तो यहाँ पे निश्चित कोई बात निश्चित हो जाती है कि कक्षा में 20 बालक हैं, ये फिक्स हो गया। लेकिन इसमें अनिश्चयवाचक में क्या है, कक्षा में कुछ छात्र हैं, अब कुछ छात्र हैं लेकिन हमें ये क्लियर नहीं है कि छात्र कितने हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है अनिश्चयवाचक विशेषण। इसके बाद हमारा आ जाता है बच्चों सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग में लाया जाता है। जैसे वह लड़का सुंदर है, तो ये जो वह शब्द है, वह तो ये क्या आएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, वे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये वे शब्द आया है ये किसके अंतर्गत आएगा, ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये विशेषण है वो ये सर्वनाम है या सार्वनामिक है, तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सर्वनाम और ये दूसरा हमारा हो गया इधर सार्वनामिक। जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम हमारे शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, इसने, इसने ये काम किया, उसने ये काम किया, इसने उसने, लेकिन जो हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो उसके उसमें क्या होता है, इस लड़के ने, इस लड़के ने यह काम किया, या उस लड़की ने यह काम किया। इसके बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं आता है, और इसके बाद सार्वनामिक के बाद संज्ञा शब्द आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। आज हमने विशेषण के बारे में पढ़ा है, विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक,
संख्यावाचक और सार्वभौमिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये विशेषण क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए ब्यूटीफुल डे।